नमस्कार, ऑटो कैड के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे ऑटो कैड को कैसे डाउनलोड करें और वह भी लाइसेंस के साथ साथ। बहुत से लोगों को पता भी होगा कि ऑटोडेस्क कंपनी स्टूडेंट के लिए 3 ईयर लाइसेंस के साथ ऑटो कैड या अपने प्रोडक्ट को डाउनलोड करने की अनुमति देती है। तो आइए आज हम जानेंगे कि ऑटो कैड का लेटेस्ट वर्जन, वो भी 3 साल लाइसेंस के साथ, कैसे डाउनलोड करें। तो इसमें प्रोसीजर लिखा गया है और ये ऑटो कैड विंडो खुली, उसमें आप देख सकते हैं ऑटोडेस्क ऑटो कैड 2016, ये वहीं से डाउनलोड किया है। तो आइए अब हम चलते हैं। सबसे पहले गूगल बार पे जाना है और फिर autodesk.com टाइप करेंगे। ओके, गूगल बार एंड टाइप ऑटोडेस्क। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोडेस्क 3D डिजाइन या ऑफिशियल साइट है। आप राइट क्लिक करके इसको एक न्यू लिंक में ओपन कर लेंगे। ओके, ओपन हो गया। अब हमें क्या ज़रूरत है? अब हमें ज़रूरत है अकाउंट बनाने की। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन से फ्री ट्रायल, अगर आप फ्री ट्रायल करते हैं तो 30 दिन का प्रोडक्ट मिलेगा और 30 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा, फिर आप उस पीसी में इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए साइन इन करना होगा। साइन इन पे जाएं और फिर से चूज करें ऑटोडेस्क अकाउंट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लिख रहा है साइन इन और नीचे लिख रहा है ईमेल और यूज़र नेम। ये तब आप करेंगे जब आपका अकाउंट बना हो। अभी आप साइन इन नहीं कर सकते, तो आपको सबसे पहले क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना होगा। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते ही ये एक फॉर्म खुला है, इसको आपको फिलअप करना होगा और ईमेल आईडी डालते वक्त ध्यान रखेंगे कि ईमेल आईडी वैलिड ईमेल आईडी हो, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी तो ईमेल आईडी के थ्रू ही दी जाएगी। यूजर नेम और पासवर्ड आपको डिसाइड करना होगा। यहाँ से आई एग्री टू द ऑटोडेस्क प्राइवेसी स्टेटमेंट को ऑन करके और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ये क्लिक करते ही, चूँकि मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं नहीं बना रहा हूँ, और फिल कर लेंगे। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके साइन इन पे आपको क्लिक करना होगा। अब आप यहां से लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं डायरेक्ट साइट जहां से फ्री में सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए हम यहां पे क्लिक करेंगे फ्री स्टूडेंट सॉफ्टवेयर। और यहां पे हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आप प्रोडक्ट चूज कीजिए, ऑटो कैड, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, जिसके लिए भी लेना है। मुझे सिर्फ ऑटो कैड चाहिए सिंपल, तो ऑटो कैड क्लिक किए। और फिर से आप यहाँ देख सकते हैं कि साइन इन एंड क्रिएट अकाउंट। चूँकि आई हैव ऑलरेडी अकाउंट तो मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, आपने ये अकाउंट बना चुके हैं। तो यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पे अपनी यूजर आईडी पुट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और फिर पासवर्ड। ओके,
ये वर्जन मिल गया। आप वर्जन आपको सेलेक्ट करना होगा। सिस्टम रिक्वायरमेंट क्लिक कीजिए। यहाँ से सिस्टम रिक्वायरमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें हैं आप इसको ऑन करके देख सकते हैं। सिंपल से आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। और फिर यहाँ से आप वर्जन सेलेक्ट कीजिए, जो भी मान लेते हैं 2017। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखना होगा प्रॉपर्टीज में कि आपकी सिस्टम कितने बिट की है। लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कीजिए। और फिर इतना करते ही इसकी फाइल साइज आ जाएगी। और फिर से आपको यूजर आईडी आपके मेल आईडी पे मिल जाएगा और पासवर्ड। देन इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। अब एक यहाँ से इंस्टॉलर डाउनलोड होगा, उसको आपको रन करा के और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होगा। डाउनलोड करना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं, पहले आप डाउनलोड कीजिए। अब इसको आप रन कराएंगे क्लिक एस। चूँकि मैं पहले ही इंस्टॉल कर चुका हूँ तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं इंस्टॉल करने की, आपको सिर्फ प्रोसीजर बता रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, अब इतना करने के बाद आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना होगा और बस आप डाउनलोड होने के इंतज़ार करें, उसके बाद से आप इसे इंस्टॉल कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।